दोस्तों, रात की रानी बहुत ही खुशबूदार फूल जो रात को इतनी खुशबू देता है कि अगर आपके बगीचे में लगा हो तो आप सोचेंगे कि ये हवा का झोंका इतना खुशबूदार कहाँ से आ रहा है। तो ये रात की रानी में होता है। रात की रानी की आज हम कटिंग लगाएंगे। कटिंग कैसी होनी चाहिए, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ये सॉफ्ट वुड कटिंग थी ग्रीन कलर की, ऐसी कटिंग बिल्कुल नहीं लेनी है। इस तरीके कटिंग जो कि जिस पर बार्क जो है वो बनना शुरू हो गया, वो सेमी हार्डवुड कटिंग आपको लेनी है। तो कटिंग लेने का तरीका ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप इतनी मोटी कटिंग भी ले सकते हैं, ये भी बड़ी इजीली लग जाती है, लेकिन ज़्यादा पतली कटिंग जो है वो नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम सारी कटिंग जो है वो तैयार कर लेंगे और लगाने का तरीका आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप 15 दिन बाद का रिज़ल्ट देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। 15 दिन में हमारी जो सारी कटिंग है वो लग गई हैं और पत्ते भी खूबसूरत आ रहे हैं। और हमने इसके अंदर क्या खाद डाला, कैसी देखभाल की, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप कटिंग जो है वो लगाने के लिए हम थैली के अंदर मिट्टी भर लेंगे, जिसके अंदर हम खाद बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि खाद मिला देंगे तो हमारी कटिंग जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगी। आप रेत के अंदर भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं मिट्टी के अंदर लगा रहा हूँ, तो आप रेत में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। कटिंग आपकी 4 से 6 इंच लंबी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मोटाई जो है वो पेंसिल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। पेंसिल से कम मोटाई अगर होगी तो आपकी कटिंग जो है वो सक्सेस नहीं होगी। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला ब्रांच का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आए और नीचे वाला जो होगी बॉटम की तरफ है वो नीचे मिट्टी में चला जाए। तो इस तरीके से हम सारी कटिंग जो है वो लगा लेंगे। आप इसके अंदर एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल लगाकर फिर आप अपनी कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो सारी कटिंग जो है लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी कटिंग लगा ली। लगाने के बाद इसे हम रखेंगे छायादार जगह में, जहाँ पर जैसे ग्रीन नेट है, ग्रीन नेट के नीचे रखी हुई है ये सारी कटिंग, तो ग्रीन नेट के नीचे ही आप रखें। और ग्रीन नेट नहीं है तो आप शेड में रखें, जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती हो, लेकिन उससे ज़्यादा की ना आती हो। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है फंगीसाइड, साफ़ हो या बेविस्टिन हो, कोई भी आपके पास हो, फंगीसाइड अच्छी कंपनी का लें। और फंगीसाइड को हम इस 10 लीटर पानी में 1 चम्मच हमने घोल लिया। और अब हम अपनी जो कटिंग लगाई है उनमें वाटरिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी खूब अच्छे से डालना है ताकि आप पूरी जो मिट्टी है वो एक बार गीली हो जाए। और इसके अंदर आपको नमी बनाकर रखनी है और धूप में नहीं रखना, इसको छाया में ही रखना है। अभी लगभग 1 महीना ये इसी तरीके से इसी जगह पर रहेंगी। 1 महीने के बाद इनकी जगह जो है वो थोड़ी चेंज की जाएगी, जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा धूप आती हो वहाँ पर रखा जाएगा इसको। और आप यकीन मानिए, अक्टूबर के महीने में इस पे बहुत सारे फूल जो हैं वो खिल रहे होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम पानी डालकर छोड़ देते हैं और 15 दिन बाद देखिए हमारी जो कटिंग है वहाँ से ग्रोथ जो है कितनी अच्छी स्टार्ट हुई है। कुछ कटिंग डेड भी होती हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है या कटिंग हिल जाती है, हिलने की वजह से कटिंग जो है वो डेड हो जाती है। तो देखिए हमारी जो कटिंग है वो लगभग 90 से 95% ग्रो हो गई है। तो अब हम इनकी देखभाल क्या करेंगे कि हमें इनके ऊपर फंगीसाइड और एनपीके 19-19-19 हर हफ्ते स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो कटिंग है वो ख़राब ना हो और हमारी कटिंग जो है वो जल्दी से रूट करे, रूटेड हो जाए और हमारी कटिंग चल जाए। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।